क्या बोल रही यूट्यूब की पब्लिक, कैसे हो भाई लोग? दिस इज योर ओन नूब गेमर, नूब बंदा, और बहुत ही बड़ा नूब हूँ मैं। हा। आज मैं आपके लाया हूँ दोस्तों पोकेमोन इंसर्जेंस के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फैन मेड गेम है, ऑफिशियल गेम नहीं है निंटेंडो का। 3-4 साल हो गए हैं इसको आए हुए आई गेस, और बहुत ही अच्छा गेम है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत डार्क है, बहुत ग्रिटी है। हमारी जो बाकी गेम्स आज तक हमने ऑफिशियल गेम्स देखी है निंटेंडो की, उससे तो बहुत ही अलग है। मतलब इतनी बड़ी वैरायटी है इसमें पोकेमोन की। ये देखिए, मैंने 18 घंटे के प्ले टाइम में सिर्फ 3 बैजेस ही वो करे हैं अर्न, और इतना लंबा चलेगा ये गेम आपका कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है गेम खेल के। आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। तो देखिए कि जो मेरी टीम की वैरायटी है वो कितनी अच्छी है। मेरे पास चारिज़ार्ड है। हाँ, चारिज़ार्ड देख के मुझे याद आया भाइयों कि ये डेल्टा चारिज़ार्ड है। इसमें डेल्टा स्पीसीज, एक अलग स्पीशीज है पोकेमोन की, वो इंट्रोड्यूस की गई है, और बहुत बहुत डिफरेंट होती है ये। मतलब जैसे ये डेल्टा चारिज़ार्ड है, मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा कि ये ड्रैगन और घोस्ट टाइप है। दैट्स राइट। तो डेल्टा स्पीशीज नॉर्मल स्पीशीज से बहुत डिफरेंट है, और वैरायटी देखिए मेरे पोकेमोन की। मेरे पास कितना कुछ डिफरेंट है। मेरे पास माचाम्प है, मेरे पास राइपीरियर है, मेरे पास अजूमरिल है। बहुत बहुत डिफरेंट है ये गेम। इसमें आप इतनी तरह के पोकेमोन पकड़ सकते हैं, इतनी तरह के पोकेमोन्स की टीम बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और लेवल अप करना भी बहुत ईजी है उनको। जी हाँ, मैंने सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना कि इनको लेवल अप करना बहुत ईजी है। बहुत ईजीली ये आपके पोकेमोन जो हैं ऊपर के लेवल्स तक पहुँचेंगे। मिड 40s तक पहुँचना बहुत ईजी है, रियली बहुत ईजी है। मतलब मैं मिड 30s से मिड 40s तक अ फ्यू आवर्स में पहुँचा हूँ। सीरियसली, ट्रेनिंग इस गेम में बहुत ईजी है और बहुत लंबा चलेगा ये गेम। इस वजह से आप इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारी टीम्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए इस गेम को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गेम के ऊपर एक प्ले थ्रू निकालूँ, एक वॉक थ्रू निकालूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि इस गेम में क्या है, तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट्स। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है मेरा, नूब यूट्यूबर भी हूँ मैं। तो डू सपोर्ट दिस चैनल प्लीज़ गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वॉक थ्रू बनाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।